बहन आपका नाम क्या है? फोटो। आप कहाँ के रहने वाली हैं? कौड़ियार प्रयागराज। और आपकी गवाही है इस समय, और आपके बगल में कौन खड़े हैं? हमारे पति हैं। और ध्यान से सुने, इनके पति भी इनके साथ आए हैं इनकी गवाही को देने के लिए कि परमेश्वर ने कैसे इस बहन को चंगाई दिया है और कैसे छुटकारा दिया है। पति पत्नी आपके सामने खड़े हैं, तो इनकी गवाही को ध्यान से सबजन सुनेंगे। इस बहन की गवाही इस प्रकार से है कि जब ये इस बहन की शादी हुई तो 6 महीने बाद इस बहन को प्रॉब्लम होने लगी, और प्रॉब्लम इस प्रकार से थी कि इनके पेट में पहले दर्द हुआ, फिर उसके बाद इनको लहू गिरने लगा। आपको क्या प्रॉब्लम होती थी, आप खुद अपनी जुबान से बताएं। भैया, पहले हमारी शादी के 6 महीने बाद हमारे पेट में अचानक दर्द हुआ, उसके बाद हमारे फिर गए दवा लेने, दवा से कोई राहत नहीं मिला। फिर उसके बाद ओझा के लगे गए वहाँ झराने फुकाने के लिए, वहाँ से भी कोई आराम मुझे नहीं मिला। और जैसा आपने यहाँ पर लिखाया है कि आपको जब लहू गिरने लगा उसके कारण से फिर आपके शरीर में दर्द, उलझन रहना, घबराहट, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होता था। यस भैया। आप और क्या क्या होता था आपको उसके कारण से, आप खुद बताएं कि उस समय की कैसी परिस्थिति थी और कैसा आपका शरीर था। भैया, उतनी टाइम हम पीड़ा में हरदम रहते थे, दवा लाते थे, दवा से कोई राहत नहीं मिलती थी। तंत्रों के पास लोग जाते थे, वहाँ भी कोई राहत नहीं, 10 मिनट 5 मिनट के लिए आराम रहता था, घर पे लाते थे फिर वैसे ही हो जाते थे। और जब आपको ये प्रॉब्लम थी तो आपने इसके लिए दवा लिया। यस भैया। और आपने लिखा है कि दवा से आराम नहीं हुआ, आपने बहुत दवाइयाँ भी खा चुकी हैं आप। यस भैया। और जो ये प्रॉब्लम थी लगातार बढ़ती जा रही थी और कम नहीं होती थी जिसके कारण। यस भैया, एक से एक नए से नए बीमारी बन जाती थी। और जैसा आपने लिखा है कि ऐसा होते होते आपको अचानक आपकी जो आपका जो गर्भ है, जो आपकी बच्चेदानी है, वो आपके गुप्त अंग से आप बाहर आ जाती थी। यस भैया। वो किस कारण से होता था? जब आपको लहू बहना शुरू हुआ उसके बाद से ये प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई। लहू बहने शुरू हुआ भी उसके बाद से, फिर जैसे पति पत्नी में कोई संबंध नहीं हो पाता था, अगर अचानक कभी कर भी लेते थे 15 दिन में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हम सह नहीं पाते थे, इतना ज्यादा दर्द होता था। और आपने लिखा है कि आप कुछ भी वजन चीज उठाती थी तब भी आप खड़ी नहीं हो पाती थी और जो आपका गर्भ है बाहर आ जाता था। यस भैया। कलीसिया सुन पा रहे हैं आप सबजन की, सबसे पहले इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ, फिर आप इनको लहू बहने की प्रॉब्लम होने लगी, फिर इन्होंने दवा लिया, फिर उससे कोई भी रिलीफ नहीं हुआ, परंतु वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, जैसे कि इनका जो गर्भ है इनके गुप्तांग से बाहर आ जाती थी और कोई भी चीज या कोई भी काम करती थी, कोई भी वजन चीज उठाती थी तो तुरंत इनको प्रॉब्लम होता था, जिसके कारण से ये कोई भी काम नहीं कर पाती थी। नहीं भैया, कोई भी काम नहीं कर पाती थी, जीना भी नहीं चढ़ पाती थी, ज्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, इतना प्रॉब्लम था मुझे। और जिसके कारण दर्द होना, जलन होना, उलझन होने लगती थी आपको इन सब प्रॉब्लम से। यस भैया। और इस कारण से आप अपने पति के साथ रह नहीं पाती थी, आपके पति भी आपसे नाराज रहते थे। यस भैया। और इस कारण से फिर आपके पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे और बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम भी होती थी। यस भैया। आप सुन पा रहे कलीसिया, और आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से फिर इन पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होते थे और ये एक दूसरे पर शक भी करते थे, और क्योंकि इनमें प्रेम नहीं रह पाता था इस कारण से ये अपने प्रेम स्थापित नहीं कर पाते थे और इसी कारण से लड़ाई झगड़े होते थे और इस बहन को लगातार लहू बहने की प्रॉब्लम, और जब कभी भी ये सीढ़ियां चढ़ती थी, छत पर जाती थी, तब भी इनको गुप्तांग से इनका गर्भ बाहर आ जाता था, कोई वजन चीज उठाती थी तब भी यही प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण से कोई भी कठिन काम, कोई भी वजन चीज, कोई भी काम ये कर नहीं पाती थी और इसके कारण इनको बहुत ही प्रॉब्लम थी। यस भैया। और जैसा आपने लिखा है कि आपके शरीर में उसके कारण बहुत ज्यादा सूजन भी हो गई थी। यस भैया, बहुत ज्यादा सूजन आ जाती थी, जो लोग देखते थे बोलते थे इतनी मोटी हो गई हमके, कि ऐसा कुछ नहीं, में बहुत प्रॉब्लम है, और 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता, फिर 2-4 दिन बाद फिर ऐसे ही हो जाता था मुझे।
और जब आपको सूजन इस तरह के होते थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता था बहन? भैया हमें लेटने में, बैठने में, चलने में बहुत दिक्कत होती थी, हमें बहुत भारी ऐसा लगता, मेरे सर में बहुत, माने पूरी बदन में बहुत ओजन ओजन जैसे कुछ बना हुआ, इतना भारी शरीर लगती थी मुझे। इनके पति इनके पास खड़े हैं, आप बताएं भाई कि आप क्या जानते हैं आपकी पत्नी को, आप अपनी पत्नी को देखे थे, इनको किस तरह की प्रॉब्लम थी, ये क्या नहीं कर पाती थी, आप खुद बताएं। भैया बहुत इनको दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, कोई भी काम भी ये नहीं कर पाती थी, काम नहीं कर पाती थी। और जैसा आपने लिखा है कि इस बीमारी से तंग आकर आपने कई बार, आपने बहन आपने कई बार आपने जहर भी खा ली थी। यस भैया। किस लिए आपने इस तरह किया? भैया हमने जब हमारे पूरे रिश्तेदार ससुराल के बोलते थे इसको छोड़ दो, हमारे पति भी हमें गुस्सा करते थे, कोई रिश्तेदार भी आते थे तो हम खाना नहीं बना पाते थे, हमें हमेशा बीमार रहते थे, तो बोलते देख देख ये नकल कर रही है, हमने बहुत गुस्सा में आकर हम सोचे अपने आप को मैं खत्म कर दूंगी। भाई आप बताएं कि आप प्रभु में आ चुके हैं, आप खुद बताएं कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, आप खुद क्या सोचते थे अपने पत्नी के बारे में? हमारे घर के आदमी, हमारे माँ बोल रहे थे, हमारे भाई बोल रहे थे कि इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। और आप क्या बोलते थे उस समय? मैं उस समय बोल रहे थे हम अपने साथ छोड़ेंगे नहीं, ना हम दूसरी औरत लाएंगे। सुन पा रहे कलीसिया की इस बहन को इतना प्रॉब्लम था कि इनके ससुराल के लोगों ने भी इनके पति से ये सलाह दिया कि आप इस इनको छोड़ दीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि इनको जब देखिए आप तब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, जैसा आप सुन पा रहे हैं कि ये बहन कुछ काम नहीं कर पाती थी और काम ना करने के कारण हमेशा इनके घर वाले इनको उल्टी सीधी बातें बोलते थे और इनको छोड़ने की बात बोलते थे। आपने क्या क्या किया इनके इलाज के लिए? 15-20 ओझाओं के पास गया, 15-20 डॉक्टरों के पास गया, बहुत इलाज किया। एक बात बताएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते थे डॉक्टर क्या बोलते थे? बोला इसको गर्भ निकलवा दो, ऑपरेशन करा दो। उन्होंने जांच किया, क्या निकला था रिपोर्ट में? उसके इन्फेक्शन निकला था। इन्फेक्शन था गर्भ में जी। और डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करवा दें। ऑपरेशन करवा दो। तो आपने क्या किया, ऑपरेशन आपने करवाया? नहीं भैया कुछ नहीं कराया। फिर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया और आपने इलाज ही करवाते रहे इनके लिए। इलाज कराते रहे। और जब इलाज से फायदा नहीं हुआ तब आपने क्या किया? हम दूसरे को ओझाओं के पास ले गया, उसको भी दिखाया, वहां से भी आराम नहीं हुआ। जैसा आपने लिखा है कि लगभग आपने इस परिवार ने लगभग 20 अलग अलग डॉक्टरों के पास गए और लगभग 40 से 50 अलग अलग तांत्रिकों के पास गए कि इस अपनी पत्नी को ये ठीक करा सकें और ये बहन ठीक हो सके, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं मिला और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सेम थी और वो बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करवा दीजिए, इनके गर्भ में इन्फेक्शन है। और इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, परंतु इन्होंने दवाई लिया, जब दवा से रिलीफ नहीं हुआ तो ये तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। आपने लगभग तंत्र मंत्र के पीछे, डॉक्टरों के पीछे आपने कितना पैसा खर्च किया अपनी पत्नी के लिए? कम से कम 30,000 रुपए खर्च कर दिया। आपने इतने पैसे खर्चे कर दिए। और आपने लिखा है कि ये बहन ने अपना गहना भी बेच दिया और यहाँ तक कि जो साइकिल थी घर में सब कुछ बेच करके बहन ने इलाज करवाया था। यस भैया। आपने क्या क्या बेच दिए गहने में बहन? भैया पति को हमारे सोने की चैन मिली थी वो बिक गई, साइकिल बिक गई, बाकी हमारी पायल थी वो बिक गई। एक ऐसी समय आई थी कि हमारे जेठ ने हमें घर से मार के निकाल दिए थे और हमने फिर उसमें टाइम में 1 रुपये नहीं था, 2 बच्चे थे हमारे, घर से निकल गए थे, हम अपना जान बचा के चारों लोग, 2 बच्चे पति पत्नी, हमने साइकिल से फाफे में उग गए वहाँ की कहीं हमें जगह मिल जाए, हम छुप के रह सके अपने बच्चे के साथ। ध्यान से सुने कलीसिया, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यही कारण है कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों को आज़ाद करता है और आज लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करके उसके साथ जीते, यही कारण है। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि इस बहन ने जो भी गहने थे, पायल थे और इनके पति का जो जंजीर था वो सब कुछ इन्होंने बेच दिए, साइकिल भी बेच दिए और इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि इनके घर के लोगों ने इनको, आपको घर से बाहर भी कर दिए बहन। यस भैया। फिर आप अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चले गए। यस भैया घर से बाहर चले गए, उतनी टाइम में 1 रुपये भूख के मारे बच्चे भी एकदम रो रहे थे, हम लोग भी, तो 4 अंगूठी थी हमारे पास चांदी की, उतनी टाइम मेरी मजबूरी, हम 200 की चांदी का अंगूठी बेच कर बच्चे को नाश्ता कराए, कुछ हम लोग खाए तो जाके हम लोग
कुछ राहत हुआ, इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि इस तरह की परिस्थिति थी इस परिवार की, और जिस परिवार में बीमारी हो, नशा हो, पाप हो, वो परिवार कभी उठ नहीं सकता, कभी बच नहीं सकता, कभी भी और भी काम नहीं कर सकता, अपने जीवन के भविष्य को नहीं बना सकता। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि इनके बच्चे भूखे थे उस समय, इनको बीमारी के कारण, प्रॉब्लम के कारण, कुछ ना होने के कारण इनको घर से बाहर कर दिया गया था, और इनके पास जो कुछ भी बचा था उसको बेच करके बच्चे इतने रो रहे थे भूख के मारे, तो इन्होंने नाश्ते के लिए व्यवस्था किया, और इस तरह परिस्थिति थी इस परिवार की और इस बहन की। जो प्रॉब्लम थी वो खत्म नहीं थी, वो उसी तरह लगातार बनी थी बहन। यस भैया। और जैसा आपने लिखा है कि कभी कभी जब आपको घर से बाहर नहीं किया गया था, तो कभी कभी आपको मायके भी पहुंचा देते थे गुस्से के मारे। भैया, हमारे साथ मारपीट करके मायके पहुंचा देते थे हमारे पति। बोलते थे अब नहीं लाएंगे, फिर महीने 15 दिन में लाते थे, फिर 1-2 महीना ठीक रहते थे, फिर वही मेरे साथ होने लगता था मारपीट के, फिर पहुंचा, बार बार ऐसे होता था। मम्मी लोग भी साथ छोड़ दी मायके से, बोली इसको रोकते हैं मत जाओ, अपने पति कहने में चली जाती है। हम सोचते कभी मेरा पति सुधर जाएगा। उन लोग के कहने, पति में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ घर वाले के लोग से ओजा से मेरे पति मुझे मारते थे। और जैसा आपने लिखा है कि आप इन सब प्रॉब्लम आपको थी तब भी आप नशे का सेवन करती थी। यस भैया। क्या क्या करती थी आप नशे में? भैया हमने सुरती सुपारी खाते थे, गुटखा सुतपलट जो होता उसको खाते थे, और गुल मंजन करते थे। आप सुन पा रहे कलीसिया की इस बहन को लहू भी बहता था, लहू भी गिरता था, साथ ही साथ इनको जो भी कभी कभी भी ये कुछ भी मेहनत का काम करती थी, कुछ भी कहीं पे सीढ़ियों पे चढ़ती थी, इनका जो गर्भ था वो गुप्त अंग से बाहर आ जाता था, और ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ ये बहन नशा भी करती थी, शुद्ध प्लस गुटके सुरती का सेवन करती थी। और इन्होंने लिखा है कि लगभग 3 साल तक, इन्होंने जब तक प्रभु में नहीं आई, 3 साल तक लगातार आपने नशे किए हैं। यस भैया। आप क्यों नशा करती थी? आपको प्रॉब्लम भी थी, आप क्यों नशा करना शुरू कर दी? भैया हमारे मुंह से ऐसे बास आता था, जीप से किसी के सामने बोलते थे तो हमें लोग बोले कि पैरियर सिखाए थे, तुम नशा करो, तो थोड़ा थोड़ा हमने नशा करते करते फिर करने लगे थे। और सुन पा रहे कलीसिया की इनको मुख से बास आता था और गंद आती थी, तो इनके आसपास के लोगों ने इनको सलाह दिया कि ये गुटखा खाएं, उससे सही हो जाएगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके गुटखा शुरू किया, और फिर आप प्रतिदिन कितना खाती थी आप गुटखा? भैया दिन भर में 3-4 खा लेते थे। और आप सुन पा रहे कि इनकी समस्या भी बहुत ज्यादा थी, इनके घर में परिस्थिति नहीं ठीक थी, और घर में कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन एक और लत इनको पकड़ती कि जिसके कारण ये नशा भी करती थी और प्रॉब्लम में भी थी और नशा भी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। यस भैया। आपको लगातार बहन कितने साल तक आपका लहू बहता रहा, और आपको जब कभी भी आप कुछ भी काम करती थी जो आपके गर्भ बाहर आ जाते थे गुप्त अंग से, वो कितने साल तक होता रहा आपके साथ? भैया 6-7 साल हुआ है ऐसा। 6-7 साल लगातार आपको प्रॉब्लम थी। यस भैया। और आप इस सब से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आप 200 डॉक्टर अलग अलग आपने चेंज किए। डॉक्टर ने सलाह दिया कि गर्भ में इन्फेक्शन है, ऑपरेशन होगा, आपने ऑपरेशन नहीं लिया, और आप जब डॉक्टर के पास आपका इलाज नहीं हो सका तो आप 40-50 तांत्रिकों के पास गए, अलग अलग तांत्रिकों के पास। यस भैया। फिर जब आपको वहां से रिलीफ नहीं हुआ, आप पूरी रीत से हार चुके थे। यस भैया। आप क्या सोचते थे जब आपको डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, जब आपको तंत्र मंत्र करने वाले ठीक नहीं कर पाए, तब उस समय जब आप यीशु के पास नहीं आते, उस समय क्या सोचती थी आप बताइए? भैया उस टाइम मैं यही सोचती थी, अपने पति से बोलती थी कि तुम दूसरी औरत ला लो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी, मैं तुम्हारी खुशी नहीं दे पा रही हूँ, मैं जब देखो तुम्हारे घर वाले मुझे ऐसे ताना मारते हैं, ये बोले हम दूसरी औरत नहीं लाएंगे, जो कुछ होगा तुम्ही के साथ रहेंगे, जब तक जियोगी तुम्हारे साथ रहेंगे। और इस प्रकार से ये बहन सोचती थी, और इन्होंने अपने पति को भी सलाह दी कि आप दूसरी पत्नी ला लीजिए, मुझे प्रॉब्लम जब देखिए तब रहता है, और इतने ज़्यादा इलाज तंत्र मंत्र सब कुछ करके हमने देख लिया, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि हम कुछ ना कुछ करके मर जाएंगे, आप दूसरी पत्नी ला लें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये साथ रहे एक दूसरे के। इसके लिए एक बार फिर से ताली बजाएं कि परमेश्वर को महिमा मिले। फिर जब आपको, आप सब जगह से आप हार चुकी थी, आप पूरी रीत से निराशा में थी,
और आपने अलग अलग निर्णय ले चुके थे आप काम करने के लिए, लेकिन फिर आपको यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला, आप चर्च कैसे आने लगे? भैया मेरी मम्मी आती थी तो मम्मी पहले हमारी सास ने बोली, अब मैंने थक चुकी, मेरी सास भी ओझाइन थी, वो भी बोली मैं थक चुकी अब तुम जाओ यीशु आश्रम। हम भैया बोली कि मैं नहीं जाऊंगी यीशु आश्रम, भैया ना करो हम ये सब, नहीं जाऊंगी मर जाऊंगी वो ठीक है, तो ऐसे बार बार बोले हम नहीं, तैयार होकर के भी नहीं आती थी। फिर मम्मी मेरी आती थी या सिस्टर आती थी तो मुझे बुलाई कि बिटिया आओ घूम जाओ, इसी बहाने से हम के हम नहीं आएंगे, बोली नहीं हम बहुत दिन देखे हो गए चली आओ, तो हम देखने आए भैया तो हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे चर्च चल रहा था, बृहस्पतिवार का दिन था, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उसी दिन से हमने निर्णय लिया कि हम प्रभु येसु के साथ रहेंगे। जोर से ताली बजाए सब जन, जोर से जोर से। और जब आप पहली बार चर्च में आई बृहस्पतिवार को, फिर आपको चर्च में अच्छा लगा? यस भैया। उसके बाद से फिर लगातार आप चर्च आने लगी? यस भैया। और फिर आपने लिखा है कि आप 4 साल से प्रभु में आ रही हैं? यस भैया। और आप लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, आप पूरी रीत से बीमारी से आजाद हो चुकी हैं? यस भैया। आपने प्रभु में आने के बाद आपने दवा ली कि बंद कर दिया थे आपने? नहीं भैया, उस चीज के बारे में हम दवा नहीं ली ना कोई, मतलब कुछ भी नहीं की उस, जो मतलब हमें कोई दिक्कत जैसे प्रभु में आने लगे, हम बस विश्वास किया कि जब प्रभु सबको नहीं कर सकते, सबको अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मेरा प्रभु ठीक करेंगे, हम दवा नहीं लिए। और जब आप चर्च आना शुरू की, आपने दवा लेना भी बंद कर चुके थे आप? यस भैया। और जब आपने यहाँ पे गवाहियां सुनी, यहाँ पे वचन आपने सुने, तब आपने भरोसा रखा कि परमेश्वर आप मुझे भी, जैसे आप दूसरों को आजाद कर रहा है, चंगाई दे रहा है, वैसे आप मुझे भी छुड़ाएगा, आपने ऐसा करके विश्वास किया? यस भैया। और आप लगातार चर्च आती रही? यस भैया। लगातार चर्च आने के बाद आप आज, आपकी पूरी प्रॉब्लम जा चुकी है? यस भैया। जो आपको लहू बहते थे और जो आपके पेटों में दर्द होते थे, जो आपको गुप्तांग से आपके गर्भ बाहर आ जाते थे, वो सब प्रॉब्लम दूर हो चुकी है? यस भैया। और हमने ये प्रॉब्लम के कारण हमने हॉस्पिटल में काम भी करने लगे थे, तो हमने 1 महीना काम करते थे, कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम आ जाते थे, हम काम भी नहीं कर पाते थे कि हम लोग काम कर सके, अपने बच्चे को पाल सके, 1 महीना करते थे, उसके बाद हमें इतना छुट्टी लेना पड़ता, इतनी तबीयत खराब हो जाती थी कि हम काम भी नहीं कर पाते थे हॉस्पिटल में। और आज परमेश्वर ने, आप इस समय जब खड़ी है, आप पूरी रीत से आजाद है 1.5 साल से? यस भैया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? कोई भी। सब जन जोर से ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। आपको जो भी, आप कुछ भी मेहनत का काम करती थी, जो आपको गुप्तांग से आपके गर्भ बाहर आ जाते थे, वो अब बाहर नहीं आते? नहीं भैया, बाहर नहीं आती। हमने पर साल आलू की बिनिया में हमने 3 कट्टी 4 आलू बिने थे, हमने काम करते थे, बोझा भी उठाते थे, गेहूं भी काटे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जोर से ताली बजाए। 6-7 साल से जो आपको प्रॉब्लम था, आपको लहू भी गिरता था, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो चुका है? यस भैया। और साथ ही साथ जो आपने 3 साल से आपने नशा करती थी, आप गुटखा खाती थी, सुरती खाती थी, आपने नशे भी छोड़ चुकी हैं? यस भैया, नशे भी छोड़ चुके हैं। कोई मेरे सामने खाता है तो मुझे इतना अजीब सा होता है, मुझे पलटी हो जाएगी, मैं हट जाती हूँ वहाँ। जोर से ताली बजाएं सब जन, परमेश्वर के काम के लिए उसको महिमा दें। और आप बताएं भाई कि अब आपकी पत्नी ठीक रहती है? यस भैया। अब आपकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक काम कर पाती है ये? यस भैया। कोई भी बोझा उठाती, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं। किसने अच्छा किया आपकी पत्नी को? यीशु मसीह ने। जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। और ध्यान से सुने सब जन, यदि ये बहन किसी डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी तंत्र मंत्र के द्वारा ठीक हो जाती, लेकिन इसको नशे से कोई नहीं आजाद कर सकता, नशे से इसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता था, यीशु मसीह इसको चंगाई के साथ साथ, इस बहन को प्रभु यीशु मसीह ने नशे से भी आजाद किया, और आज ये परिवार खुशहाल है। और आज बताइए बहन, आपकी घर की परिस्थिति कैसी है? हमारी घर की परिस्थिति इतनी अच्छी है भैया कि हमारे जेठ जिठानी देख इतना जलन रखते थे, इतना मतलब घृणा रखते, हमसे कभी बात नहीं करते थे, आज हमारे जेठ जिठानी इतना ज्यादा मान सम्मान, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हम सोच नहीं सकते थे प्रभु कि हम ऐसे कैसे मेरा परिवार मुझे। जोर से ताली बजाए सब जन बड़ी गवाही के लिए। और जो आपको आपको बीच बीच में सूजन आ जाता था,
सूजन भी नहीं आता अब आपको? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बीच में मतलब ये समस्या होते है कि जब हम प्रभु यीशु में नहीं आते थे तो जब हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते थे, हमने भी विचार में भी पड़ गई थी। और प्रभु ने आपको पूरी रीत से छुड़ा चुका है। यस भैया, जो आप उठ बैठ नहीं पाती थी, आप उठ बैठ के दिखाएं, आपको सूजन खत्म है, आप उठ बैठ के दिखाएं। जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और प्रभु ने आपको पूरी रीत से छुड़ा लिया बहन। यस भैया, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी गवाही के द्वारा लोगों को? यही गवाही के द्वारा करेंगे कि सभी लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करिए, विश्वास अपना विश्वास बना कर रखिए, कभी भटके ना। और प्रभु आज नहीं तो कल सबको चंगा करेगा, सबको छुटकारा देंगे प्रभु। जोर से ताली बजाएं पूरे आनंद के साथ, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया।